सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी रिलायंस पावर को लेकर, जिसे आप लोग आर पावर के नाम से जानते हो। तो रिलायंस पावर के अंदर आपने देखा होगा भी आज के दिन एक बिग फॉल बनते हुए नजर आए। तकरीबन 3.5-4% के आसपास जो शेयर है वो नीचे में टूटा था, बट लास्ट में जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आई तो इस शेयर में भी काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। ऐसे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्या कुछ मूवमेंट्स रहेंगे। बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि हमने स्टॉक को जनाबे इस लेवल से उठा रखा है, लेवल से उठा रखा काफी टाइम हो गया है, ना स्टॉक में तेजी बन रही है, ठीक है, ना स्टॉक में कुछ खास गिरावट आ रही है, स्टॉक वहीं पर कंसोलिडेट करता है। आज जो स्टॉक में गिरावट बनी है इसके पीछे का रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई कंपनी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है, ना कुछ और अपडेट आई है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में फॉल की वजह से इस शेयर में भी करेक्शन आया है। आज लगभग सभी शेयरों में फॉल था भाई, क्योंकि मार्केट में भी आपने देखा होगा, बट मार्केट लास्ट में रिकवरी लेते हुए नजर आई है। और अभी आप लोग देखो डाव फ्यूचर है, ठीक है, और जो नैसडेक फ्यूचर है ये हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है, प्लस आप लोग देखोगे जो यूरोपियन मार्केट है ये भी पॉजिटिव है। तो इन सब का असर आप लोग देखोगे, अगर ये पॉजिटिव क्लोजिंग लेती है तो कल के दिन इंडियन मार्केट भी हमें पॉजिटिव ओपनिंग लेते हुए नजर आएगी और काफ़ी अच्छा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर भी आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते भी जो आर पावर इसके कल के क्या कुछ मोमेंटम रहेंगे डाटा वगैरह देख कर। यहाँ पर आप लोग देखोगे 1880 के भाव में क्लोजिंग 2.5% की गिरावट के साथ। वहीं आप लोग देखो जो वॉल्यूम आई है 83.7 मिलियन, यानी कि 8,37,00,000 के करीब स्टॉक में हाई वॉल्यूम भी लगते हुए नजर आई है। तो चलिए देख लेते भी डाटा वगैरह कैसा देखने को मिला और उसका कितना इंपैक्ट आपको स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। क्या यहाँ से शेयर में और फॉल बनेगा या फिर जो शेयर है वो यहाँ पर डटते हुए नजर आने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी आर पावर से रिलेटेड जो डाटा वगैरह देखने को मिला वो कैसा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 1925 इसी भाव में ओपन हुआ, 1925 तक जो शेयर है वो ऊपर में, यानी कि ओपनिंग जो रही है वही इसका हाई है, उसके बाद जो शेयर है वो नीचे में 1840 तक आया, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 1880 के आसपास देखने को मिली, लास्ट में जाकर मार्केट में रिकवरी बनी थी। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे 30,338 क्वांटिटी आपको जो अभी सेलिंग के लिए देखने को मिल रही है। डिलीवरी पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो वही 29% के आसपास डिलीवरी आज फिर से कम उठते हुए नजर आए। चलिए इसका डाटा वगैरह तो कुछ खास नहीं आया है, नेगेटिव आते हुए नजर आए। चलिए अब एक बार नजर इसके चार्ट पे डाल लेते हैं, वहां पर क्या कुछ मोमेंटम बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, ठीक है, वहाँ तक आया और वहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी बनते नजर आई है, देख सकते हो भी, ठीक है, यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आया और यहाँ से स्टॉक ने फिर से रिकवरी दिखाई है। ऐसे में नीचे में सपोर्ट क्या बताया था मैंने आपको 17.75 रुपये, अगर ये लेवल टूटे तो स्टॉक्स को एक बार बाय बाय कर देना भाई, ठीक है, सिंपल सी भाषा में यही है। फिर Q2 के बाद में जो ना भी अच्छा मौका बन सकता है, अभी के टाइम बेस्ट लेवल है नीचे में सपोर्ट 17.75 रुपये, और ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो 19.70 रुपये का ऊपर में रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक होकर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी खासी रैली स्टॉक में बन सकती है। लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखोगे जो सिचुएशन करंट लेवल पर बनी हुई है वो आपको जो है थोड़ी क्रिटिकल देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद अगर स्टॉक फिर से रिकवरी लेता है और ऊपर में 1970 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मौका स्टॉक में बन सकता है, पर नीचे में जो सपोर्ट है वो 17.75 रुपये और सेकंड रहेगा 16.25 रुपये, जो बेस्ट लगे वो पकड़िए। तो ये इसके लेवल है, इनके ऊपर फोकस कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जैसे ही Q2 के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी तो वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।